हेलो हाय 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 सागर, एक बाइक कर दे। विजुअल से तो पहले चलो वो करने कर ले भाई। चल आजा, रोलिंग। छोटी अनुपमा का बर्थडे है, क्या कुछ उनके लिए गिफ्ट लाए हो, क्या कुछ सरप्राइज देना चाहते हो? बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है किसी अगर किसी को गिफ्ट देना हो। मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, स्पेशली अगर वो लड़की हो तो। और छोटी अनु इतनी चुलबुल सी है ना, उसके लिए तो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि उसको क्या दें, क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा लगेगा उसे। बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। फाइनली बहुत मेहनत के बाद मैंने, माइंड बॉगलिंग था मेरे लिए, फाइनली मैंने कुछ उसके लिए गिफ्ट लिया है। वो एक सरप्राइज़ है तो वो मैं आपको बता नहीं सकता जी। उनके साथ सेट पे बिताया हुआ जो पल है, जो यादगार पल है, जो फनी मोमेंट है, वो आप शेयर करना चाहोगे? हाँ, आई थिंक मेरा फर्स्ट डे था इन द शो, एंड मेरा और उसका एक बहुत प्यारा सा सीन था। मेरी बेसिकली एंट्री सीन ही उसके साथ थी, एंड पता नहीं, एक बहुत अच्छा सा कनेक्ट बन गया था तुरंत, एंड वो मेरे गोद से उतर ही नहीं दी थी। एंड उस मोमेंट मैंने रियलाइज़ कर लिया था कि यार, मुझे लगता है कि सेट पे मुझे एक छोटी सी बहन, प्यारी सी बहन मिल गई है। एंड उसके साथ सीन्स करना मेरे लिए इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, क्योंकि वो इमोशंस अपने आप बाहर आते हैं। सो इट्स दैट स्पेशल फॉर मी। आपके सीरियल को लोग बहुत प्यार देते हैं, खास करके एक एक करेक्टर्स को बहुत प्यार देते हैं लोग, उनके बारे में क्या कहना? आई थिंक डेफिनेटली ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग है, एंड ऑफकोर्स सबकी मेहनत है। मैं तो बहुत बाद में आया, लेकिन जो लोग पहले से दो ढाई सालों से, मतलब जो लगातार हर दिन उतनी ही मेहनत से करते हैं, आई थिंक हैट्स ऑफ है उनको, एंड हमारी टीम को, हमारी एक्टर्स को, और हमारे ऑफकोर्स प्रोड्यूसर सर को, कि हर दिन एक नए चैलेंज की तरह लेते हैं। ऐसा लगता है कि हर दिन एक नई शुरुआत है, और आई थिंक उसी का नतीजा है जहाँ फैंस भी अप्रिशिएट करते हैं हमारी मेहनत को, और हम जिस ईमानदारी से करते हैं उस ईमानदारी को वो पहचानते हैं और उसे उतना ही प्यार देते हैं। उसके लिए थैंक यू सो मच। साथ ही बिग बॉस का बहुत जोरों से चल रहा है इस समय, बिग बॉस कितना फॉलो कर रहे हो आप? ज़्यादा तो नहीं, बिकॉज शूट में बिजी रहते हैं, बट हाँ, मैं अगर आप पूछेंगे मैं किसको सपोर्ट कर रहा हूँ, तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, मैं सुम्बुल को सपोर्ट करूँगा, बिकॉज मैं उसे पर्सनली जानता नहीं, बट हाँ, मुझे इतना पता है कि वो बहुत अभी यंग है, एंड आई थिंक एक इतने, मतलब आई मीन इतने छोटी सी उम्र में उस घर में जाना, उन लोगों के बीच रहना जो ऑलरेडी दुनियादारी से वेल अवेयर हैं, लाइफ के चैलेंजेस से वेल अवेयर हैं, और आई थिंक इट्स हैट्स ऑफ कि, मतलब यू नो, इट्स नॉट ऑलवेज कि आप हर चीज़ जीतो, बट एक एक्सपीरियंस लेना, उसकी भी हिम्मत होना बहुत ज़रूरी है, एंड आई थिंक सुम्बुल में वो हिम्मत है कि वो, मतलब इस मैदान में उतरी, एंड यू नो, आई थिंक शी इज़ विनिंग हार्ट्स, आई थिंक, या सो ऑल द बेस्ट टू हर। साथ ही आप बता सकते हो टॉप थ्री में कौन विनर होगा? यार मैं उतना फॉलो नहीं करता, बट तू मुझे बता, नाम बता, मैं उसमें से सेलेक्ट करता। MC Stan, Salim, Chief. हाँ, तो आई थिंक MC Stan मुझे पसंद है। आई मीन आई थिंक ही शुड, बिकॉज ही हैज़ दैट रॉनेस, यू नो, रॉ है वो बिल्कुल। तो आई थिंक आई एम होपिंग कि वो हो जाए। अगर आपको मौका मिले तो कौन से रियलिटी शो में जाना पसंद करोगे आपके हिसाब से? मुझे मौका मिले तो रियलिटी शो डेफिनेटली किसी डांस में तो ज़रूर जाना चाहूँगा, डांस रियलिटी शो, अदरवाइज़ मैं बिग बॉस में ज़रूर जाना चाहूँगा, बिकॉज मैं बचपन से खुद एक बोर्डिंग स्कूल का, मतलब स्टूडेंट हूँ, और मैंने 10 साल बोर्डिंग स्कूल में बिताए, तो मैं अकेला रहना, आई एम इंडिपेंडेंट बेसिकली। तो हाँ, अब मैं, वो तो एक बचपना था, लेकिन अगर बिग बॉस में जाऊँगा तो डेफिनेटली अपने उस एक्सपीरियंस को, और उस मतलब अपने
क्या कहते हैं अपने एक्सपीरियंस को वो उस फील्ड में उतारने का मौका मिलेगा, मुझे टेस्ट करने का मौका मिलेगा कि हाँ मैं कितना काबिल हूँ मतलब इंडिपेंडेंसी के मामले में. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. What?